बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर यात, और आज हम एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। अपडेट स्टेटमेंट जो है वो टेबल के अंदर जो डाटा हमारा एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको तब्दील करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, ये आर्किटेक्चर को चेंज नहीं करती, ये डाटा को चेंज करती है। एक स्टेटमेंट हम आगे चल के पढ़ेंगे जिसका नाम ऑल्टर स्टेटमेंट है, वो आर्किटेक्चर को चेंज करती है। यानी कि जब आपने किसी कॉलम को चेंज करना हो, या जब आपने किसी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना हो, तो तब आप ऑल्टर की कमांड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो टेबल के अंदर डाटा मौजूद है सिर्फ उसको तब्दील करना है, उस मकसद के लिए हम अपडेट की कमांड को इस्तेमाल करेंगे। सिंटैक्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपडेट हमारा कीवर्ड लगा, उसके बाद हमने टेबल का नाम बताना है उसे, और उसके बाद सेट का कीवर्ड लगाना ज़रूरी है अपडेट में, जो हमें बताएगा कि हमने किस कॉलम को क्या वैल्यू देकर सेट करना है। ठीक है, तो ये हम कॉलम का नाम बताएंगे उसे, और उसके बाद वैल्यू बताएंगे उसको जो हमने देनी है, जो उसकी डेटा टाइप होगी उसके लिहाज से, फिर कोमा देके फिर अगले कॉलम टू और उसकी वैल्यू देनी है। इस तरह से हम काम करते जाएंगे, लेकिन एंड में हम वेयर का क्लॉज लगाएंगे कंडीशन लगाने के लिए। वेयर का क्लॉज जो है वो आपको पता है मखसूस करने के लिए होता है, फिल्टर रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए होता है। यहाँ पर हम लोग जो है वो ख़ास किस्म के रिकॉर्ड को या ख़ास किस्म की रोज को सिलेक्ट करेंगे जिनको हम अपडेट करना चाहते हैं। उसके लिए वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, हो सकता है कंडीशन जो है वो एक से ज़्यादा रोज पे भी फुलफिल कर रही हो, या सिर्फ एक ही रो पे फुलफिल कर रही हो, तो उसको हम अपडेट करने के लिए हम वेयर का क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम वेयर का क्लॉज नहीं लगाते तो याद रखिएगा कि वो तमाम टेबल जो हैं जो है तमाम टेबल के पूरे टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड होगा वो सारे का सारा ही अपडेट हो जाएगा। इसलिए जो है हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि हमने कंडीशन लगानी है ताकि हमारा रिकॉर्ड जो है वो सारा ही अपडेट ना हो बल्कि मखसूस रिकॉर्ड अपडेट हो। ठीक है, लेकिन वेयर के क्लोज के बगैर भी ये हमारी अपडेट की क्यूरी अप्लाई हो सकती है, और इसे हम इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं पहले आपको बता रहा हूँ, अपडेट माई टेबल सेट नेम हयात और जेंडर जो है वो मेल। ठीक है, ये हम अपडेट करें माई टेबल को जिसमें नेम जो है वो हयात कर रहा हूँ और उसका जेंडर जो है वो मेल कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं, ये मेल का टेबल है, इस मेल के टेबल में मैं वैल्यू कुछ इंसर्ट करता हूँ, उसके लिए इंसर्ट की क्यूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। माई टेबल पे शो टेबल पे शो टेबल डाटा पे क्लिक करें, ये नेम एंड जेंडर है, यहाँ पे नाम लिखता हूँ उमर मेल, ये मैं डायरेक्ट इंटरफेस के जरिए इसे रिकॉर्ड एंटर करूँ इसमें। लेकिन क्यूरी से भी लगाना आपको पता होना चाहिए, ये मैं शॉर्ट टाइम की वजह से इसके जरिए रिकॉर्ड डायरेक्ट एंटर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो है ये मैंने रिकॉर्ड एंटर किया, इसको रन करके देख लेते हैं, रिकॉर्ड है जी बिल्कुल मौजूद है। अब मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं माई टेबल पर जाऊँगा, माई टेबल पर न्यू क्यूरी पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर अब अपडेट की कमांड अप्लाई करता हूँ, अपडेट माई टेबल सेट, उसके बाद कॉलम के नेम नेम उनकी वैल्यू। अब ये नेम का कॉलम जो है इसके डेटा टाइप स्ट्रिंग है, यानी एनवर चार है, तो इसलिए मैं सिंगल कोट में लिखूंगा इसे। तो ये पहले कॉलम की वैल्यू कोमा, दूसरे कॉलम का नाम देता हूँ जेंडर, उसकी वैल्यू। ठीक है, ये मैंने लगा लिया।
अपडेट माई टेबल सेट नेम उमर हयात, नाम उमर हयात से सेट कर देगा और जेंडर जो है वो मेल कर देगा, ठीक है। इस सारे को सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट क्यूरी जो है कंट्रोल आर्ट या इस क्यूरी के बटन पे क्लिक किया। 3 रोज इफेक्टेड बाय लास्ट क्यूरी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने कंडीशन नहीं लगाई थी तो उसने हमारे टेबल के अंदर 3 रोज थी वो सारी की सारी उसने अफेक्ट कर दी, उन पर काम कर दिया। अब हम इसको देखते हैं, ये मेरे पास टेबल है, इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये आ जाएगा डेटा, ठीक है, उमर हयात, ठीक है, मेल सारा। अब ये उसने तमाम कॉलम्स को जो है वो डाटा को जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन ये अच्छी ऑप्शन नहीं है, बेटर ऑप्शन क्या है कि आप लोगों को मखसूस करना चाहिए वेयर के क्लोज के साथ, ठीक है। इसलिए इसके लिए मैं एक और कंडीशन भी अप्लाई करता हूँ, मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अपडेट पर्सन सेट लास्ट नेम इज इक्वल टू मोइन एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है। ये मैं लास्ट नेम मोइन और फर्स्ट नेम अली कर रहा हूँ, कहाँ पे, पर्सन टेबल के अंदर, ठीक है, जहाँ पे आईडी जो है वो 3 हो, यानी कि जिस पर्सन का आईडी 3 है उसका फर्स्ट नेम अली कर दूंगा और लास्ट नेम जो है वो मोइन में कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं फिल्टर कर रहा हूँ रिकॉर्ड आईडी के जरिए, वेयर के क्लोज के जरिए आईडी को फिल्टर किया और आईडी से हमें जो है वो रिकॉर्ड मिलेगा, उस रिकॉर्ड को हम फिर अपडेट करेंगे। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं पर्सन के टेबल पे। तो पहले देख लेते हैं पर्सन में डाटा मौजूद है, न्यू क्यूरी पे गए राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन्स। ये देखें ये इसमें मौजूद है, 4 रिकॉर्ड्स इसमें मौजूद है, 4 रोज इसमें मौजूद है। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, अपडेट किसको करना है, टेबल को, किस टेबल को, पर्सन्स, अपडेट पर्सन्स सेट नेम सिंगल कोट में आएगा लास्ट नेम नहीं बल्कि ये है लास्ट नेम, लास्ट नेम इज इक्वल टू मोइन कोमा फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली, फर्स्ट नेम अली कर देगा लास्ट नेम मोइन कर देगा, ठीक है। तो इसे मैं अच्छा सारों को नहीं करना इसलिए मैं कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा। कंडीशन क्या लगाता हूँ, वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। आईडी इज इक्वल टू 3 से मेरा ये है कि ये मैंने इसको बताया कि इस रो को तुमने अपडेट करना है, ये वाली 3 नंबर रो को जो, ठीक है। अब मैं इसे चला के देखता हूँ, ठीक है, इसे रन करते हैं। 1 रो इफेक्टेड बाय लास्ट क्यूरी। अब यहाँ पे 4 रोज थी लेकिन उसने सिर्फ 1 रो को अपडेट किया, क्यों किया, क्योंकि हमने उसको फिल्टर कर लिया था, हमने उसे बता दिया था कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक रो को अपडेट कर, ठीक है। इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। ये देखिए 3 नंबर जो है उसका लास्ट नेम मोइन हो गया और फर्स्ट नेम अली हो गया, ठीक है। तो ये हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तब तक मज़ीद वीडियोस के लिए अल्लाह हाफिज़।